सो हे गाइज, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट्स। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे हम नीट यूजी 21 एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स के बारे में। बहुत सारे न्यूज़ आपको मिल रहे होंगे सुनने को कि नीट यूजी पोस्टपोन होने को है, साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। सो ये दो इंपॉर्टेंट जो आपके प्रॉब्लम्स है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर और पोस्टपोन न्यूज़ को लेकर, सो ये दोनों प्रॉब्लम्स के जो आपके सोल्यूशन होंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ आपका नीट पोस्टपोन को लेकर। तो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा सारे एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स और जो आपके क्वांटिटेटिव एग्जाम्स है लाइक जेई मेंस वगैरह के एग्जाम्स और आगे नीट पीजी के एग्जाम्स, ये धीरे धीरे अब पोस्टपोन हो चुके हैं। अप्रैल सेशन जेई मेंस भी कल पोस्टपोन हो गया था। सो जो नीट के एस्पिरेंट है 21 के लिए, वो भी नीट यूजी एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने के लिए लगातार ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं। जो कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो एग्ज़ाम देने में अभी असमर्थ हैं, तो इस सिचुएशन में वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कोविड नीट यूजी के एग्जाम्स के पोस्टपोन लेकर। गैस, ये आर्टिकल अभी आज की है NDTV की तरफ से, इसमें बताया गया कि नीट पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल में सबसे बताया गया कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लगातार ट्वीट करते जा रहे हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, हमारे DG NTA से, कि आपका नीट यूजी के एग्जाम्स कब पोस्टपोन होगा, तो गैस मैं आपको बता दूँ अभी तक नीट यूजी के पोस्टपोन को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार ट्विटर पर ट्वीट किया जा रहा है कि नीट यूजी के एग्जाम्स पोस्टपोन हो। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे नीट यूजी की जो शेड्यूल है एग्जाम्स की, एग्जाम डेट 1 अगस्त को है और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। अप्रैल मंथ भी यहाँ पे, अप्रैल मंथ का लास्ट हाफ वीक चल रहा है, तो इस वीक तक अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं और यहाँ पे एक नई खबर उठ रही है नीट यूजी के पोस्टपोन को लेकर। तो गैस, ये लगातार आपको पता होगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोविड के केसेस डेली इंक्रीज हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे भारत में कोविड के केस डेली बढ़ रहे हैं और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो नीट यूजी के पोस्टपोन को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। नीट यूजी इज अ सोल एग्जामिनेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। हर साल नीट यूजी में मेडिकल एग्जाम्स में, मेडिकल एडमिशन के लिए MBBS, BDS, BMS कोर्सेस में एडमिशन के लिए नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं। हर साल 15 लाख से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करते हैं एग्जाम्स को। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ये साफ साफ क्लियर लिखा है यार कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं, वो भी ऑफलाइन, तो इसको पोस्टपोन करना बेहद ज़रूरी है। और आप लोग देखते हैं, आपने कहा 2020 में नीट यूजी एडमिशन कोरोना के ही केस में हुआ था, सेप्टेम्बर मंथ में हुआ था और बहुत लेट से हुआ था, पोस्टपोन हुआ था और उसके फॉर्म भी बहुत पहले आ गए थे, लेकिन इस बार अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपको बता दूँ, हर साल लास्ट ईयर 15 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट यूजी के एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट किया था, MBBS, BDS, आयुष, BMS, BHMS और वेटनरी जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए, और इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए हर साल नीट का एग्ज़ाम्स होता है और इस बार भी नीट एग्ज़ाम्स होगा। नीट NTA के अंडर में रिलीज़ होता है फॉर्म नीट यूजी का, और इस बार भी नीट 21 का डेट और रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और एजेंसी ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले से ही नीट यूजी की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अभी रिलीज़ कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि आपका नीट यूजी का जो एग्ज़ाम्स होगा 1 अगस्त को होगा। तो गैस, अभी तक पोस्टपोन को लेकर कोई न्यूज़ नहीं, लगातार आप देख सकते हो यहाँ पे ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स #NEET5September पोस्टपोन करने को, या फिर आपका जो एग्ज़ाम्स हो वो डेट उसकी आगे बढ़ा दी जाए। तो ऐसे डेली ट्विटर पे ट्वीट आ जा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कल जेई मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, तो कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे नीट पीजी का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, जिसमें उन्होंने ट्विटर पे प्लीज़ पोस्टपोन नीट यूजी और बोर्ड एग्ज़ाम, और ये साफ साफ यहाँ पे उन्होंने बताया था एजुकेशन मिनिस्टर ने कि हमारा जो नीट पीजी का एग्ज़ाम्स होगा उसकी डेट को, एग्ज़ाम डेट को कुछ दिन आगे के लिए बढ़ाया जाता है। सो ऐसे ही अभी अप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए, नीट की डेट ऑलरेडी यार लेट है, और अभी तक तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, गाइस मैं आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ CBSE का ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है। CBSE ने अपने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है। तो जून के बाद आगे अगर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन नहीं होते हैं, तब आपका एग्ज़ाम 1 जून को ही होगा, नीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे आगे, और अभी जून के बाद भी पोस्टपोन होंगे, तो केसेस, कोरोना के केसेस को देख ध्यान में रखते हुए 12th के जून के बाद ही पोस्टपोन किया जा सकता है, देन गाइज डेफिनेटली नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा अगर 12th बोर्ड जून के बाद भी पोस्टपोन होगा तो अदरवाइज जून में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो नीट का भी एग्ज़ाम आपका 1 अगस्त को होगा, ये चीज़ क्लियर है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो गाइज, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, मे बी जैसा कि आर्टिकल्स वगैरह में डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, तो इस बेस पे बताया जा सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसी मंथ के लास्ट वीक तक आ जाएगा, या फिर मई मंथ के, यानी कि मई महीने के प्रथम, यानी 1st वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो, उसके बाद कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए आपकी डेट एग्ज़ाम्स आगे पोस्टपोन की जा सकती है। सो गाइस, अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है नीट के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग,
फोन के रिगार्डिंग या फिर नीट एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। सो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और थैंक यू यार आप सभी को वीडियो देखने के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज स्टडी हार्ड यार दोस्त। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।